हेलो एवरीवन, माय नेम इज अतुल, आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के ट्रीटमेंट की कि क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं अवेलेबल फॉर डिप्रेशन, क्योंकि अभी तक हमने बात की डिप्रेशन क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके कॉजेज क्या होते हैं और जनरली दो ट्रीटमेंट जो रिसर्च प्रूवन हैं होते हैं। एक तो है कि जो आपकी बायोलॉजी में चेंजेस हो जाते हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो एक ब्रेन में केमिकल्स जिनको हम बोलते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए कुछ मेडिकेशंस हैं जो उनको कंट्रोल करती हैं, जिसकी वजह से आपका डिप्रेशन कम होना शुरू होता है। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग, और ये भी देखा गया है कि जो पेशेंट्स मेडिसिंस और काउंसलिंग या साइकोथेरेपी दोनों एक साथ लेते हैं उनके इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा बेहतर वो रिकवर करते हैं और उनका रिलैप्स नहीं होता। रिलैप्स का मतलब है बीमारी आपको हुई, ठीक हो गई और दोबारा से हो गई, दैट इज़ रिलैप्स। सो जब हम हमारा जो प्रोसेस है काउंसलिंग का या साइकोथेरेपी का, वो भी हम अगर फॉलो करते हैं या हम काउंसलिंग लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा बेटर होता है, रिलैप्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब साइकोथेरेपी में भी अगर हम बताएं तो सबसे ज़्यादा जो रिसर्च प्रूवन है, एविडेंस बेस्ड थेरेपी है, वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको हम यूज़ करते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाएं ये जानना भी ज़रूरी है। पहली चीज़, जो मेडिसिंस हैं वो आपको साइकियाट्रिस्ट लिखते हैं, जो एक मेडिकल डॉक्टर होते हैं, MBBS MD इन साइकियाट्री, सो उनसे ट्रीटमेंट लेना आपके लिए मुनासिब होगा अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है मेडिसिंस के तौर पे। अगर बात करें काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी की, तो बेस्ट जो इंडिया में प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। दे आर रजिस्टर्ड बाय रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट इज़ ए गवर्नमेंट बॉडी, दे गेट लाइसेंस टू प्रैक्टिस। सो अब साइकोथेरेपी होती क्या है, इसमें आपका जो सोचने का तरीका है कि आप सोचते कैसे, जैसे बहुत निगेटिव हो जाते हैं कई बार, हमें लगता है लाइफ बिल्कुल बेकार हो गई है, जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छा हम मर जाएं, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, जल्दी हम थक जाते हैं, किसी चीज़ को इंजॉय नहीं कर पाते हैं, तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये आपके सोचने के तरीके पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप बिल्कुल बेकार हैं तो अकॉर्डिंगली आप एक्ट भी करेंगे, क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, आपका जो बिहेवियर है वो आपस में लिंक्ड है। अगर आप ये सोच रहे हैं आप बिल्कुल बेकार हैं तो आपके इमोशंस भी वैसे ही होंगे, आप बुरा फील करेंगे, सैड फील करेंगे और आपका बिहेवियर भी वैसा होगा कि आपको अगर लग रहा है कि लोग बेकार हैं, लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है तो आप लोगों से बात नहीं करेंगे और सैड फील करेंगे। सो ये जो प्रोसेस है ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। इसमें आपका काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट जो है थ्रू साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग आपकी मदद करते हैं, तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मेडिसिन आपको अच्छा फील करा सकते हैं लेकिन आपके बिहेवियर में चेंज कैसे आएगा, आपके सोचने के तरीके में चेंज कैसे आएगा, आपके इमोशंस में कैसे चेंज करना है आपको, ये चीज़ें आप काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के जरिए सीखते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है थेरेपी का। तो अगर किसी को भी आप जानते हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर आपके मन में कोई सवाल उठता है या आपको कोई हेल्प चाहिए या आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन है इसमें मैं कैसे डील करूं, तो उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, आपकी जो संभव मदद होगी हम लोग आपकी मदद करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग the videos, we are always there for you.